काल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं लाहौरी छोले बना रही हूँ। लाहौरी चने जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा आज घर में बनाती हूँ और आपसे भी वीडियो शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे तरीके पहले लाहौरी चनों के जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये भी एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत आसान भी है और टेस्ट जो है वो बिल्कुल कमर्शियल है इसका, क्योंकि ये रेसिपी ही कमर्शियल है। तो इसके कुछ मसाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चनों को जो है ना, आधा किलो सफ़ेद चने लेकर मैंने उसको भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अचानक प्रोग्राम बना, तो उसके बाद जो है ना वो मैंने, ये देखिए कुकर मैंने चढ़ाया हुआ है। कुकर में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच जो है ना मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो मैंने डालकर और उसको मैंने रखा हुआ है पकने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है आपका कुकर कितने टाइम में चनों को गला देता है। वैसे जब सोडा लगाते हैं तो काफ़ी कम वक्त में चने गल जाते हैं। तो मैं तकरीबन इसको 40 मिनट दूंगी कुकर में, क्योंकि चने जो हैं वो कम भीगे हुए थे, तो इस वजह से। तो ये चने जो हैं हमारे उबल रहे हैं, तो साथ में मसाले हैं कुछ जो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। दूसरी बात, यहाँ कुकर में यहाँ पर ब्लेंडर में मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज और तकरीबन 4 हरी मिर्चें काट के रखी हैं। इसको मैं ब्लेंड करके इसका पेस्ट बनाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर जी मेरे पास है 1/2 चाय के चम्मच काली मिर्चें, बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। यहाँ पर मेरे पास है अजवाइन, 1/2 चाय के चम्मच से कम है, बहुत ज़रूरी है डालना। 1/2 चाय का चम्मच है सफ़ेद जीरा, 1/2 चाय का चम्मच है कलौंजी, बहुत ज़रूरी है डालना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। काला नमक है मेरे पास 1/2 चाय की चम्मच से कम, 1/2 चाय की चम्मच है मेरे पास सौंफ, बहुत ज़रूरी है डालना। टार्टरिक एसिड है, या जिसे टार्टरी भी कहा जाता है, क्रीम ऑफ टार्टर भी, तो ये मेरे पास है तकरीबन 2 चुटकी, ठीक है। ये तमाम मसाले ऐसे हैं जो कि हमने अभी शामिल नहीं करने, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, और इन तमाम को जो है ना, जो पीसने वाले हैं टार्टरिक और काले नमक के अलावा जो है, मैं इनको पीस के रख लेती हूँ। और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी इसका तरीका मज़ीद, क्या क्या डालना है हमने और ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको वॉच कर सकें। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो। और इसके अलावा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट मैंने कुकर चलाया, तो चने जो हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। हालांकि मैंने इतने अच्छे भिगोए, इतनी देर तक भिगोए भी नहीं थे। तो ये देखें, ये देखें, बिल्कुल हलवा बन गए हैं, लेकिन खड़े खड़े हैं, टूटे नहीं हैं। और इनमें पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो क्या, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए होती है इसके लिए। अच्छा जी, अब यहाँ हमने एक कढ़ाही में जो है ना हसबे ज़रूरत घी डाल के रखा है। मैंने तकरीबन 1/2 कप घी डाला है इसमें, और हमारे पास ये जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा जो है टुकड़े बाकी हैं, क्योंकि ब्लेंडर जो है वो मेरा सही से काम नहीं कर रहा, इसको मुझे ठीक करवाना है। तो यहाँ पर हम इस मसाले को जो है वो अच्छा सा जो है फ्राई करते हैं, ब्राउन करते हैं इसको, सब पानी खुश्क करते हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा, बताती रहूँगी हमें मज़ीद किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये इतने ज़बरदस्त किस्म के चने जो हैं, जिसको खाकर सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, वो किस तरह तैयार होंगे, तो साथ साथ रहना ज़रूरी है आपका। अच्छा जी, देखें प्याज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होगी है ब्राउन। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देते हैं, और इसको भी तकरीबन 1-1.5 मिनट जो है वो पका लेते हैं, ठीक है। जो पेस्ट था प्याज का, उसकी वजह से जो है वो किनारे जो हैं लगने शुरू हो गए हैं। अगर आप नॉन स्टिक में पका रहे हैं तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, ये देखें कि मैंने डाला, तो ये भी पकना शुरू हो गया, क्योंकि मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बन रहा था, सही पक रहा था। प्याज ब्राउन हो चुकी थी, घी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो ये हो गया है तकरीबन 1 मिनट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ये देखें बस ज़रा सा, और हम डालेंगे इसमें नमक। और नमक तो अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने चनों में 1 चाय के चम्मच नमक डाल के चढ़ाया हुआ है, तो मैं बाद में चेक के डाल दूँगी। तो ये हरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चाय के चम्मच से ज़्यादा है मेरे पास जो है। ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करें। हल्दी पाउडर है 1/2 चाय के चम्मच, और ये है 1/2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च।
ये मैंने डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि कच्चापन ख़त्म हो इनका। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। इसमें मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच दही शामिल करूँगी और इसको हम भून लेते हैं। अब मसाला अच्छा सा भून लेते हैं हम। बहुत ज़बरदस्त आपके चने तैयार होने वाले हैं। तकरीबन 2 मिनट में इस मसाले को भून लूँगी मज़ीद। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चने ग्रेवी के साथ ही। ठीक है जी, ये देखें तमाम चने जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये देखें, ठीक है। और आप चनों को ना थोड़ा सा ऐसे मैश भी कर लें थोड़ा सा, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बन जाए। मैंने बहुत सारे तरीके YouTube पर अपने वीडियो में डाले हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरी है चिकट छोलों पर, मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने चने बनाना बताए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आप बनाएंगे आपको इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं वही तमाम मसाले डाल देती हूँ जो मैंने पीसे थे, जो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये हैं जी वो तमाम मसाले जो मैंने पीस लिए थे, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है। और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट पका लेती हूँ, ढकने के बाद ढक दूँगी मैं इसको। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये वक्त के साथ साथ मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना पानी शामिल करें इसमें, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद पानी शामिल कर लूँगी इसमें। और बस थोड़ा सा इसको इस तरह करके मैश कर लें ताकि ग्रेवी बन जाए, और ग्रेवी बहुत अच्छी बन चुकी है। चने जो हैं वो बिल्कुल पूरे अच्छा जी पकते हुए हो गए हैं, तकरीबन 6 से 7 मिनट, और बड़ी अच्छे से ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। ये देखें आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी ना, इसमें है जी धनिया 1 चाय का चम्मच पाउडर है, धनिया पाउडर, और यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय के चम्मच, और 1 चाय का चम्मच है गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाले में जो है ना वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया, और नमक मैंने चेक कर लिया था, इसमें नमक कम था कुछ, तो मैंने नमक अपने हिसाब से डाल दिया जितना मुझे चाहिए था। और ये ग्रेवी बहुत है, इतनी ही चाहिए मुझे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया मसाला, और अब इसको मैं 1 से 2 मिनट ढक दूंगी और इसको फ्लेम ऑफ करके मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि इसकी जो तरी है वो ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। निहारी पाए या चने वगैरह जो होते हैं ना, इसकी तरी जो है वो कुछ देर में ऊपर आती है, तो टेंशन ना लीजिएगा। इसको मैंने ढक दिया, ये देखें, और इसको मैं फ्लेम जो है वो 1 मिनट के बाद ऑफ़ कर दूँगी, और मैं कुछ देर के बाद आपसे मिलती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें तैयार हो चुके हैं हमारे चिकट छोले लाहौरी असली रेसिपी। तो ये देखें माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, अभी इसको खाया भी जा चुका है बल्कि। तो कैसी लगी है जी आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरी हौसला अफजाई होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते हैं, और एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, मुझे